Hey guys, कैसे हैं आप? तो आज हमने जाना है यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या बात है यूनिवर्सिटी की सैर नाश्ता हमने कर लिया है, बस सभी तैयार होने फिर इसके बाद निकलते हैं। ओके, मैं क्या तैयार हूँ। हाँ तो भैया, आई एम रेडी, तैयार हो गई हूँ। कैसा लग रहा हूँ, कितना लग रहा हूँ? यस आई नो। तो अभी चलता हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ। सी यू देयर। हाँ भैया, ट्रेन स्टेशन पहुँच गए। 5 मिनट लगते हैं हमारे हॉस्टल से यहाँ तक, और यहाँ से यूनिवर्सिटी भी 5 मिनट लगते हैं। आ गई है ट्रेन, चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। आ गई। तो यूनिवर्सिटी पहुंच गए हम, और ये हमारी यूनिवर्सिटी है और ये डिपार्टमेंट है हमारा। तो यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने देख ही लिया, सेल्चोक यूनिवर्सिटी है, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। पब्लिक मींस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। पूर्णिया की यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का अगर माहौल की बात की जाए तो मतलब वाला माहौल ही है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ ये नाम के ही हैं, बाकी सारा सिस्टम यूरोपियन वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमें क्लासेस देती है ना लैंग्वेज की, वो भी मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, वो तुर्किश में ही देती हैं। तो अभी चलते हैं क्लास में, हमारा क्लास का टाइम हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी का आपको ओवरव्यू कराते हैं। तो अभी बनवाने आए हूँ पिक्चर यूनिवर्सिटी के कार्ड के लिए। पिक्चर चाहिए थे, जो कार्ड यूज़ होता है यूनिवर्सिटी में, ट्रेन में। यहाँ ये है कि कार्ड बनता है यूनिवर्सिटी का, वही आपके ट्रेन में भी यूज़ होता है। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, बहुत ही वेल डेकोरेटेड स्टूडियो यार, मतलब बहुत अच्छा लगा देखने में। तो मैं बता ही रहा था कि उस कार्ड में ना काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है बसेस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में, आप मॉल में जाओ। बाकी छोड़ो, स्टूडियो देखो यार। हाँ तो भैया, यहाँ पे सर्दी बहुत है, पर अभी बर्फ़ पिघली है, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं पिघली लेकिन पिघल गई है। तो सर्दियों का लाजवाब तोहफा तो आपको पता ही है, कावा। ये कावा नहीं है, ये इनकी चाय है। भी नहीं आती ना, ये कावे में आता है ना चाय में आता है, लेकिन चाय पीते हैं हम। वही ना कावे में आता है ना चाय में, क्या करें, पीना तो है, सर्दी को दूर तो भगाना है। तो कर्दश लार, यहाँ पे हुई आज की हमारी वीडियो तमाम। अब सारे सोच रहे होंगे कि टर्की चला गया, इसने अभी तक कर्दश लार ही सीखा है, ये तो हमें भी आता है। लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ थी, अब आपके साथ बोलने का तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग,
तो वो कहते हैं ना कि एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर द कल। बस वही कर रहा हूँ, हर पल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एंजॉय करिए मेरे साथ। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने प्यार दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।